अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर उस समय सनसनी मच गई जब अमृतसर में दरभंगा से आई जन नायक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर से एक व्यक्ति की लाश सूटकेस के अंदर से बरामद हुई। दरअसल आज सुबह जब ये ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची और जब इसकी सफाई होने लगी तब एक लवारिस सूटकेस मिला, जिससे पहले तो हड़कंप मच गया और बाद में जब इसको खोला गया तब इसके अंदर से एक युवक की लाश बरामद हुई। इस युवक की लाश को बांधकर इसके अंदर पैक किया गया था। यही नहीं, उसकी आंखें, पैर और मुंह तक डॉक्टरी टेप से बांधे हुए थे और उसके शरीर को मोड़कर इसमें बंद किया गया था और साथ ही कई डॉक्टर के स्तर की पट्टियां तक इसमें बरामद हुई हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए इसकी छानबीन शुरू की, लेकिन इसमें कोई भी सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। आज मिति 14/5/2016 सवेरे 5 बजे जन नायक एक्सप्रैस गड्डी जी कि सवेरे 5 बजे इतने रेलवे स्टेशन अमृतसर पुजी, वो जोड़ा सी बोगी के डब्बे के एक ब्रीफकेस मिलया जिसन खोलन पर वो नाम लोग एक डेड बॉडी मिली जिसे शरीर के उत्ते सिर्फ जोड़ा सी बनैन तो निकर पाई हुई सी, जिस तू जो चंगी तरह वेख्या डेड बॉडी तो इदा लगता सी जिहड़ा डेड बॉडी का कतल करके किसी बंदे का तो उन्होंने उहदे विच सूटकेस पाया गया। तो इहदा इस संबंध विच असी मुकदमा दर्ज कर लिया है, 302-201 का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लास्ट का जरा पोस्टमार्टम अपनी करवा के मौत के कारण तो जो है जानू किया जाएगा। अमृतसर से आजाद टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।